अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, द कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर ने 1387 में लिखी थी और ये पोइम इंग्लिश सोसाइटी को ट्रूली डिपिक्ट करती थी। इस पोइम के तकरीबन 31 करेक्टर्स थे जिनमें चौसर बजाते खुद शामिल था और एक होस्ट था, टैबर इन का एक होटल का होस्ट था वो। लेकिन इस पूरी पोइम में जो हमें मिलते हैं करेक्टर्स, वो 29 हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज शेयर की हैं, जिनको जेफरी चौसर ने अपनी इस पोइम में लिखा है। इस पोइम का प्रोलॉग है जो कि एक अलग से है, अलग बुक फॉर्म में, वो अब हम पढ़ेंगे। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। बट दीज 29 पिलग्रीम्स आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। होता क्या है कि ये सारे करेक्टर्स एक पिलग्रीम्स की परफॉर्मेंस के लिए एक सफ़र करते हैं और एक इकट्ठे ही एक टैबर्ड इन में स्टे करते हैं। वहाँ पे ये बोरियस से बचने के लिए चौसर जो है वो इनको कहता है कि वो सारे अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी शेयर करें। तो फिर उनके लिहाज से उनके उन्होंने जो बताया, जो चौसर ने उनको ऑब्जर्व किया, वो चौसर ने अपने अपने इस पोइम में लिखा। तो सबसे पहले हमारे पास करैक्टर है द नाइट का। नाइट जो करैक्टर है वो उन चंद करैक्टर्स में से एक है जो अपनी बहादुरी और जुरतमंदी में एक आला मुकाम रखते हैं, और इसी वजह से चौसर ने इनको द नाइट को अपनी इस तमाम 29 जो करैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले इसको रखा है। द नाइट का करैक्टर एक रवायती फौजी जंगजू का है जो अपनी सलाहियतों की वजह से इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और ये एक फौजी जनरल भी है। इसकी बहादुरी, दुनिया भर के सफ़र और इसकी अपने पेशे से या अपने प्रोफेशनल से वफादारी इसकी काबिलियत को बयान करती है। वो बहादुरी, इज्जत और नरमी, इसे बातें करना, शाइस्तगी और सच्चाई, ईमानदारी, दयानदारी को वो पसंद करता है। वो एक रिलीजियस इंसान है और अभी अभी वो बहुत से गैर मुल्की जंगों से वापस आया है, और घर जाने की बजाय सीधा इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत के लिए जा रहा है। इसने अपने जंग आलूद कपड़े भी नहीं तब्दील किए, उसने उसका जो आर्मर है वो भी उसने अभी तब्दील नहीं किया, और सीधा पिलग्रिम करने चला आया। ये इसकी रिलीजन से मोहब्बत जाहिर करती है। इसने 15 खौफनाक जंगें लड़ी हैं जिनमें से 3 बार वो अपने रिलीजन के लिए लड़ा है, और हमेशा जंग जीत कर वो और ज़्यादा शोहरत कमा कर आता है, और अपने शानदार कारनामों के बावजूद भी कभी भी उसने लोगों में बैठ के शेखी नहीं मारी, बल्कि वो अपने ज़ाती ज़िंदगी में हैरत अंगेज तौर पर बहुत नरम खो और शर्मीला और आजीज और बहुत ही नरम मिजाज का शख्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर है इसमें द स्क्वायर का। ये स्क्वायर नाइट का बेटा है जो कि अभी जेरे तरबियत है। नाइट वो भी सोल्जर बनने के लिए तरबियत ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। वो एक पुरजोश और जज्बाती किस्म का नौजवान है। इसके बाल ज़रा घुंघरियाले लिटों वाले हैं, और स्क्वायर की उम्र 20 साल होने के बावजूद भी वो बहुत सी जंगों में अपनी महारत और बहादुरी दिखा चुका है। इतनी कम उम्र में भी वो बहुत अच्छी खासी शोहरत कमा चुका है। इसका जो ड्रेस है वो फूलों से उस पर कढ़ाई की हुई है। इसका जो मकसद खुदा को खुश करना नहीं बल्कि अपनी महबूबा का दिल जीतना है, मगर वो दूसरे लोगों के साथ बहुत नरमी से पेश आता है और दूसरों की मदद करके काफ़ी खुशी भी महसूस करता है। वो सारा दिन गीत गाने गाता रहता है या बांसुरी बजाता है और पोइट्री भी करता है, जिसके लिए वो इंतहाई आला किस्म के अल्फाज का इंतखाब करता है। और द स्क्वायर जो है वो अपने बाप का बाअदब और खिदमत गुजार बेटा है।